हेलो फ्रेंड्स 18 फीट इंटू थर्टी सिक्स फिट हाउस प्लान सिक्स फोर्टी एट स्क्वायर फिट बिल्डर एरिया है तो यहीं पर डिटेल्स मैंने डिस्कस करेंगे इस वीडियो में तो इस तरफ 18 फीट इस तरफ और 36 फीट इस तरफ है तो यहीं पे वॉल आ जाएगा आउटसाइड का वॉल नाइन इंच का फॉइड करना है तो मैंने यहीं पे नाइन इंच का वॉल फॉइड कर रहा हूँ आउटसाइड में तो दोस्तों यहीं पे यहीं पे आपका पार्किंग भी मिल जाएगा फोर व्हीलर कार पार्किंग मैंने यहीं पे बेडरूम में डबल विंडो रख दिया आपका रिक्वायरमेंट हिसाब से आप इसको चेंज कर दीजिएगा ठीक है तो आउटसाइड का वॉल टू थर्टी है नाइन इंच का है और इनसाइड का वॉल फाइव इंच का वाइट किया तो जितना इनसाइड का वॉल है वो फाइव इंच करके पकड़ के आप कैलकुलेट कर सकते हैं आपका अच्छा मेजरमेंट मिल जाएगा मेरे साथ जो मैंने जो मेजरमेंट दिखा रहा हूँ वो आपका मैच हो जाएगा ठीक है देखिए मैंने ड्रा हो गया तो यहीं पे कार पार्किंग है तो ये थोड़ा डाउन में रहेगा ये पोजीशन उसके बाद आपका स्टीयर कर के यहीं पे आना है ये लिविंग रूम है यहीं पे यहीं पे मेन डोर है और देखिए यहीं पे स्टेयर रूम है स्टेयर रूम का आप इस तरफ ऐसा घूम के इस, इस तरफ डाउन है उसके बाद यहीं पे किचन है किचन है और किचन के साथ यहीं पे देखिए डाइनिंग हॉल है डाइनिंग हॉल के साथ यहीं पे एक पूजा रूम है पूजा रूम है और यहीं पे एक छोटा सा पैसेज पैसेज मीनस यहीं पे थोड़ा सा आपका पेस मिल जाएगा इस किसी को कुछ रख सकते हैं यहीं पे, और यहीं पे बेडरूम है नहीं पे टॉयलेट है तो देखिए ये सब विंडो है जो ब्लू कलर का देखा है मैंने ये विंडो रहेगा तो देख लेते हैं इसका साइज क्या है नाइन फीट इस तरफ और ट्वेल्व फीट इस तरफ है और यहीं पे जो पूजा रूम है फोर फीट बाई फोर फीट डाइनिंग हॉल का साइज इलेवन फीट इलेवन इंच सॉरी इलेवन फिट वन इंच बाई दस इतना दूर तक सेवेन फिट वन इंच टॉयलेट फोर फिट बाय सेवेन फिट किचन का साइज सेवेन फिट बाय फाइव फिट और यहीं पे स्टेयर रूम का साइज लेंथ में टेन फीट टू इंच और इधर से इतना दूर तक सेवन फीट एट इंच और पार्किंग यहीं पे है यहीं पे कार पार्किंग है ये ट्वेल्व फीट बाय एट फीट फाइव इंच है तो इसको यहीं पे कॉलम आया जाएगा तो कॉलम के लिए मैंने यहीं पे बॉक्स ड्रा करेंगे तो ये सब कलम का पोजीशन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व तो यहीं पे नंबर ऑफ कॉलम ट साइज नाइन इंच बाय नाइन इंच फोर्टीन साइज फोर फीट बाई फोर फीट इंटू टेन इंच कंक्रीट का थिकनेस और फुटिंग का डेप्थ फाइव इंच फाइव फीट रहेगा तो बात करते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मतलब बिल्डिंग कॉस्ट बिल्डिंग बनाने में जो खर्च खर्च आएगा तो उससे पहले डोर इंडो का डिटेल्स मैंने दिखा देते हैं मेन डोर थ्री फीट इंटू सेवेन फीट बेडरूम का डोर थ्री फ़ीट इंटू सेवेन फीट, फीट किचन का डोर टू पॉइंट सिक्स फीट इंटू सेवेन फीट किचन का और टॉयलेट का डोर सेम है तो पे जो विंडो है विंडो बेडरूम का विंडो फोर फीट वाई फाइव फीट किचन का विंडो थ्री फीट इंटू थ्री फीट और वेंटिलेशन फोर्टीन इंच वाई फोर्टीन इंच वाइट करना है तो ये पे जो खास बात है देखिए आप इसको डुप्लेक्स सबसे अच्छा अच्छा सा यूज़ कर सकते हैं डुप्लेक्स में आपका टू बेडरूम मिल जाएगा तो ग्राउंड फ्लोर में एक पार्किंग हो गया है तो इसलिए एक बेडरूम आपका कम हो गया तो अब डुप्लेक्स बनाएंगे तो आपका ये टू बी के बन जाएगा और एक चीज़ है इसका मेन एंट्रेंस इधर से नहीं करके आप इस तरफ से भी कर सकते हैं क्योंकि इसका आप इस तरफ है ऐसा घूम के ऐसा जा रहा है तो यहीं पे भी आप एंट्री बैठा सकते हैं तो यहीं पे गेट रहेगा वो क्लोज़ हो जाएगा तो एक सेपरेट स्टेयर केस यहीं पे बन जाएगा तो आप इसको रेंट पर्पस में भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर दोनों ग्राउंड फ्लोर सब कुछ अलग हो जाएगा यहीं तो अलग अलग फ्लोर बन जाएगा तो आपका रिक्वायरमेंट हिसाब से आप इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते तो हैं तो चलिए इसको दिखा देते हैं बिल्डिंग बता देते हैं इसको बिल्डिंग कॉस्ट कितना आएगा तो बिल्डिंग कॉस्ट यहीं पर बिल्डिंग कॉस्ट नाइन लैक्स अप्रॉक्स आ जाएगा दोस्तों तो एक बार रिव्यू कर लीजिए प्लान को अगर कुछ चेंजेस करना है तो आपका हिसाब से आप इसको चेंजेस कर सकते हैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका जरूर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताइए आपका ये प्लान कैसा लगा है और अगर मेरे चैनल पर आप नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए का प्लान इतना है थैंक यू